इस मामले में उनके बेटे अब्दुल्ला को भी हिरासत में लिया गया था। शुक्रवार को जब आजम खान से इस केस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपने तंज भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा कि चौकीदार चोर है का नारा दिया कांग्रेस ने, वो दोबारा पीएम बन गए। मैं किताब चोर हूँ, मैंने विश्वविद्यालय बना लिया है, बच्चों की स्कूल बना ली है। उन्होंने कहा कि जब सरकार का पहिया टेढ़ा होने लगता है तो न्याय का पहिया सही करता है। आजम ने कहा, पासपोर्ट में कोई जालसाजी या धोखाधड़ी नहीं है, पासपोर्ट में एक गलती से हम दाऊद या लादेन नहीं बन जाते। उन्होंने आगे कहा, अब्दुल्ला ने कोई अपराध नहीं किया है, बरेली के पासपोर्ट अधिकारी ने बाद में गलती ठीक कर दी थी, हम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने अन्याय कर दी है तो न्याय न्यायालय से मिलता है। बेटे अब्दुल्ला आजम को हिरासत में लेने के मामले में खान ने कहा कि मेरा बेटा मेरे साथ भी लड़ेगा, मेरे बाद भी लड़ेगा। उन लोगों ने लूट लिया यूनिवर्सिटी को, वो जकात का पैसा ले गए। आजम खान जमीन हथियाने के 26 नए मामले के बाद करोड़ों रुपए की जमीन घोटाले में फंस गए हैं। बताया जा रहा है कि यूपी के सिंचाई विभाग ने उनको रामपुर में लग्जरी रिसोर्ट हम सफर के लिए सरकारी जमीन कब्जाने के लिए नोटिस थमाया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के खिलाफ सरकार और गरीब किसानों की कृषि योग्य भूमि हथियाने के सिलसिले में लगातार मामले दर्ज किए जाने के बाद उनको भू माफिया घोषित किया गया है। ईडीबी खान के निजी विश्वविद्यालय के खाते में विदेशों से दान मिलने से संबंधित कथित धन शोधन के आरोपों की जांच कर रहा है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।